वेलकम टू आवर हिस्ट्री सेंटर महबूबगंज। आज आप लोग मैथमेटिक्स के एक नए लेसन जो लाभ हानि का ही पार्ट है, बट्टा डिस्काउंट, इसको आप स्टडी करेंगे। ये लाभ हानि का ही पार्ट है, लेकिन इसको अलग से पढ़ाया जा रहा है जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या है? देखिए, किसी भी वस्तु को अगर बेचा जाता है तो डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अच्छा, डिस्काउंट किसे कहते हैं, ये कैसे लागू होता है? तो अगर कोई वस्तु मान लीजिए 200 रुपये की है और उस पर हमको 60% डिस्काउंट देना है तो हम उसको लिखेंगे 40/100। जो डिस्काउंट देना है उसको 100 में से घटाया जाता है। जैसे 40 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना आया, 40, तो ये हो गया 40%। तो ये होता है डिस्काउंट। जितना डिस्काउंट देना होता है उसको 100 में से माइनस करके और जिस चीज पर जितने रुपए पर दिया जाता है उसको गुणा कर दिया जाता है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20%, और हम यहां मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा है, अंकित मूल्य है एक्स, एक्स पर हम कितना 20% छूट, तो 20% छूट में क्या हो गया, 80। जितना छूट उसको 100 में से घटाएंगे तो 100 में से 20 को घटाए, 80/100 हो गया। अब ये क्या बन गया, जब छूट देने के बाद ये विक्रय मूल्य बन जाता है, क्योंकि जब छूट देता है दुकानदार तो वो सामान को बेचता है तभी छूट देता है, तो ये हो गया विक्रय मूल्य। और यहाँ देखिए, एक विक्रय मूल्य दिया है 24 रुपये में बेचा, एक विक्रय मूल्य ये है और एक ये बन गया, तो दोनों को हम बराबर कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 24×10/8, 8×3=24, 30 रुपीज ये आ गया आपका अंकित मूल्य। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 30 रुपीज। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। वस्तु के अंकित मूल्य पर 3/2/5% का बट्टा दिया जाता है, यदि एक व्यक्ति उसे ₹483 में खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अब देखिए ये क्या है, इतना परसेंट का बट्टा दिया जा रहा है, तो यहां भी वही करते हैं, अंकित मूल्य यक्स मानते हैं, तो यक्स गुणे, अब इसको भी हम 100 में से माइनस करेंगे। देखिए 100 में से माइनस करके देख लेते हैं, 5 × 3=15, 17 × 5, तो ये आ जाएगा 483/5%। तो कितना हमारा बन गया, 483/5%। तो x गुणे 483/5 और गुणे 100 रहेगा ही, अब ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य। और यहां देखिए, उसी वस्तु को 483 रुपये में कोई कस्टमर खरीद रहा है, तो जो कस्टमर खरीदेगा दुकानदार उसी को बेचेगा, तो दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य हुआ। जो कोई कस्टमर खरीद रहा है वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हुआ, और एक विक्रय मूल्य ये है, एक विक्रय मूल्य ये बन गया, तो 483 से 483 कट गया, x बराबर आ गया 500 रुपये। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 500 रुपये। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, 20% का बट्टा देने के बाद भी उसे 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। देखिए, कोई भी अंकित मूल्य पर बट्टा देने के बाद क्या बन जाता है, विक्रय मूल्य, जैसा आप लोग अभी क्वेश्चन में देखें। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है, 500 रुपये, इस पर बट्टा देने के बाद ये विक्रय मूल्य बनेगा, तो बट्टा कितना है, 20%, तो 20% बट्टा अगर देंगे तो 80/100 हो गया। अब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। और क्या कह रहा है, उसे 40% लाभ होता है, तो लाभ किस पर होगा, जब कोई वस्तु बेचा जाएगा तभी लाभ होगा, तो लाभ कितना हो रहा है, देखिए लाभ हो रहा है 40%, तो 140/100 हो गया। और ये भी हमारा लाभ कब होगा, जब बेचा जाएगा कोई चीज, इसका मतलब ये भी हुआ विक्रय मूल्य। अब ये यक्स क्या हुआ, यक्स हमारा क्रय मूल्य मान रहे हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य यक्स रुपए है, इसको 40% अगर लाभ हो रहा है इस पर, तो 140/100 ये भी विक्रय मूल्य हुआ। जब लाभ होगा, कोई चीज बेचा जाएगा तभी लाभ होगा, इसलिए विक्रय मूल्य, कोई चीज बेचा जाएगा तभी उस पर डिस्काउंट होगा, तभी उस पर बट्टा दिया जाएगा, इसलिए ये भी विक्रय मूल्य हुआ। आप दोनों को बराबर कर दिए, देखिए यहां से कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, इस तरह से 5/8
40, 400 बराबर 14x एंड x इक्वल टू क्या आ गया 400 बाई 14, 27 जा 22 जा, इस तरह से आ गया 200/7 एक्स का वैल्यू, एक्स मीन्स अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हमारा आ गया 200/7।